हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा डिजीज लेकर आई हूँ जो ज़्यादातर नॉर्मली सभी देखते हैं। मेरे बेटे को डेंगू हो गया था लास्ट टाइम, तो जूस निकालने में बहुत दिक्कत होती थी। मेरे पास जूसर हैंड हाथ से चलाने वाला जो होता है वो था। उसके बाद फिर हमने डिसाइड किया कि हम ये ले लेते हैं। तो ये इसके मैं बारे में बताऊँगी आपको। इसको पहले ओपन कर लेती हूँ, निकाल लेती हूँ इसके सामान, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या है इसका, कैसा रिव्यूज है, कैसा मतलब यूज़ करने के बाद क्या रिजल्ट आता है। तो मैंने इसको ओपन कर लिया है और इसके अंदर ये सारे पार्ट्स निकले हैं। ये इस तरह से छलनी टाइप है, ये है, और इसके मोटर के ऊपर ये लगता है, और ये कंटेनर है, इसमें जूस आएगा। और इसको इसमें हम फीडर, इसे फीडर बोलते हैं, ये है। और उसके बाद फीडर को पुश करने के लिए ये होता है इसमें। और साथ में इसमें ये आई है बुक, जो आराम से इसमें हम पढ़ सकते हैं। सब कुछ इसमें दिए हुए हैं, नाम सब कुछ, और आराम से पढ़ने के बाद ही इसको इंस्टॉल करें। बट मैं अभी भी आपको इंस्टॉल करके दिखाऊंगी। और ये कुछ इस तरह की दिखने वाली है, कम जगह घेरने वाली जगह मशीन है, ज़्यादा फैलेगी नहीं, फैला हुआ ज़्यादा नहीं लगेगा, और बहुत आसानी से हम इसमें निकाल सकते हैं। तो किस तरह इसको इंस्टॉल करना है वो भी मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगी। और सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि ये जब तक आप अच्छे से फिक्स नहीं कर लेते, जब तक ये ऑन नहीं होगी, तो ये सबसे अच्छी बात है। और ये साथ में इसके दो जग भी हैं, एक में निकलता है पल्प और एक में जूस निकालने के लिए। तो ये जग भी हैं और साथ में नल की जगह पर लगाया जाएगा। तो अभी हम सबसे पहले इसको लगाएंगे। तो इसको लगाने के लिए इसमें ये लगे हुए हैं, होल बने हुए हैं, और इसमें ये लगाना है इस तरह से, एकदम फिक्स हो जाता है आराम से। उसके बाद इसका यूज इसको लगाएंगे। तो इसको लगाने के लिए हमको बस ऐसे, इसको लगाने के लिए ये जो एरो लगा हुआ है इसमें, एरो, और इसमें भी एरो दिख रहा है, इस एरो को मैच करते हुए लगाना है। तो इस तरह से हम फिक्स करेंगे। ये दोनों एरो फिक्स हो गए इस तरह से। और अब हम इसका यूज़ करेंगे, इसको लगाएंगे। तो इसको फिक्स करने के लिए भी बहुत आसान है। इसको फिक्स करना, बस एक बार ऐसे प्रेस करना है, कुछ नहीं करना है, और ये फिक्स हो गया है आराम से। अब बारी आती है इसको फिक्स करने की। तो इसको फिक्स करने के लिए यहाँ पर ये लॉक लगेगा, इसमें ये नीचे की तरफ हम डालेंगे इस तरह से, ये लग गया, और ये लॉक इसके अंदर जाएगा, ये लॉक हो गया। अब ये इसको फिक्स कर लेंगे। ये यहाँ लगाने के लिए होता है, नल के लिए। अभी मेरे पास ऑरेंज है, तो मैं ऑरेंज का जूस निकालूंगी, संतरे का जूस। तो अभी चलो डालते हैं। तो ये इस तरह से ओपन करना होता है, और ये ऑन कर दिया यहाँ से। और ये और देखिए ये कितनी आसानी से इसमें जूस निकल रहा है। और 8 से 10 संतरे का जूस मैंने पूरे 2 ग्लास जूस निकाला, और अच्छा निकला। मतलब इसमें ना तो बीज क्रश होते, ना ही कड़वापन आता है, ना कोई ऐसी दिक्कत होती। तो मैं तो कहूँगी कि आप इसको ले सकते हैं, बट जब भी आप लें फिर भी आप अपने हिसाब से सोच समझ के लीजिएगा। और ये बजट फ्रेंडली है, बहुत ज़्यादा बजट में नहीं, मतलब बजट से ज़्यादा बाहर नहीं जाता, ये बजट में आ जाता है। और ये देखो जूस भर गया, और हमने इसको इस तरह से खोला और ये निकाल लिया। तो ये इसलिए होती है कि इसमें फिल हो जाए तो इसमें वापस हम बाद में निकाल लें। और इसमें अगर हम फ्रूट बिना ओपन करे भी इस तरह से डाल सकते हैं पीस करके, मतलब साबुत फ्रूट भी जा सकता है, और बिना खोले भी इसमें टुकड़े टुकड़े करके भी डाल सकते हैं। आपको जैसे सही लगे वैसे आप कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो है ऑरेंज यहाँ पर फंस गया है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि 1-2 1-3 से 5 सेकंड के लिए हम रुकेंगे, उसके बाद
इसको रिवर्स का जो स्विच है उसको ऑन करेंगे, आर मतलब रिवर्स, इसको लगा इसको दबाएंगे तो ये रिवर्स होकर बैक होने लगेगा और ये वापस जो फंसा हुआ पार्ट होता है तो वो वापस निकलकर और इस तरह से जूस निकाल देगा। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है, अगर कोई चीज़ फंस जाती है इसमें तो रिवर्स कर सकते हैं। और इसकी आवाज़ आपने देखी, इतनी ही आवाज़ है, बहुत तेज़ आवाज़ नहीं है। मैंने इसको मतलब फुल वॉल्यूम करके दिखा रही हूँ मैं आपको कि आवाज़ इसकी बहुत ज़्यादा नहीं है। और ये दो ग्लास जूस भर के रेडी है, बहुत यम्मी लगता है इसमें निकला हुआ जूस, क्योंकि मैंने दोनों जूसर का एक्सपीरियंस किया हुआ है। जब मैं उस वाले में हाथ वाले में निकालती थी वो इतना टेस्ट नहीं होता था। बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छा है और बिल्कुल भी कड़वापन नहीं है, बीज साइड में अलग निकल जाते हैं इसमें, तो बहुत अच्छा है। इसको वॉश करना भी बहुत आसान है, तो मैं इसको निकाल कर वॉश करके भी दिखाऊंगी अभी। और वॉश करने के लिए बहुत आसान है, जैसे हमने इन सबको लगाया था वैसे ही हम वापस निकालेंगे और इनको इजीली वॉश कर लेंगे, बहुत आसानी से वॉश हो जाते हैं। कुछ भी ऐसा फंसा हुआ या ज़्यादा गंदे भी नहीं लगते हैं और आप देख भी रहे होंगे कि इसमें कितने आसानी से निकल भी रहे हों और बिल्कुल क्लीन है अंदर से, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सारा जूस निकल चुका है, मतलब सारे ऑरेंज का जूस निकल चुका है। तो ये देखिए इसमें बिल्कुल भी कुछ भी फंसा हुआ बिल्कुल भी नहीं है। और मैं हल्के से गुनगुने पानी में वॉश कर रही हूँ, मतलब बिल्कुल ठंडे पानी में नहीं, हल्का सा गुनगुने पानी में वॉश कर रही हूँ ताकि स्मेल ना आए, क्योंकि कहीं ना कहीं फ्रूट्स की स्मेल आ ही जाती है जब फ्रूट्स अगर गलती से इसमें लगा भी रह गया तो। और ये इस तरह का ब्रश होता है जो दोनों तरफ से यूज़ किया जाएगा, अगर कोई चीज़ फंस गई है तो बहुत चाकू की तरह होता है, ये नुकीला टाइप है ये आगे से और पीछे की तरफ दोनों मतलब दूसरी साइड ब्रश है, तो ब्रश से जाली साफ करने के लिए होती है, जो दूसरी वाली जाली होती है उसे आप क्लीन कर सकते हो, बहुत आसानी से हो जाएगी क्लीन। मुझे ये लगा कि मैं पहले जो मेहनत करती थी उसमें ये बहुत आसानी से निकाल सकता है जूस, और ब्रश की हेल्प से इसको इस तरह से क्लीन कर लेंगे, जाली भी इसी ब्रश से क्लीन बहुत आसानी से, सिर्फ वाटर से वॉश किया मैंने, कुछ भी नहीं किया, अभी क्लीन करने की ज़रूरत पड़ेगी तो साबुन से भी वॉश करूँगी, लेकिन अभी सिर्फ वाटर से वॉश करके ही ये क्लीन हो गए और बहुत ईजी है। मतलब मुझे तो बहुत खुशी हुई कि घर में ऐसी चीज़ आई जिसको हम आराम से यूज़ कर सकते हैं, और सबसे अच्छी बात इसमें ज़्यादा फैला हुआ कुछ भी नहीं दिखता, पहले जो होता था उसमें इधर से भी नहीं फैल रहा है उधर से भी फैल रहा है, तो वो सारी चीज़ें इसमें बिल्कुल भी नहीं है। और आगे जाके मैं एप्पल का भी जूस इसमें निकालूंगी, सब चीज़ का निकालूंगी, धीरे धीरे निकालूंगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं किसका इसमें जूस निकाल लूँ या निकाल सकती हूँ तो वो आप मुझे कमेंट करिएगा ज़रूर, और पूछिएगा मुझसे कि मुझे इसमें किस चीज़ का और जूस निकालना है, तो आप ये ज़रूर बताइएगा। तो आपने देखा इसमें कितनी आसानी से जूस निकल गया, बहुत आसानी से निकल जाता है और इजी टू क्लीन है, मैंने एकदम क्लीन भी कर लिए, इनको वॉश करके रख लिया, सूखने के बाद इनको फिर से असेंबल कर दूंगी और फिर नेक्स्ट टाइम निकालने में और आसानी रहेगी, लगे हुए रहेंगे तो। और जब मैं इसमें निकालती थी ना तो इसमें बहुत मेहनत लगती थी और ये थोड़ा सा मेहनत लगता था, बाकी था तो ये भी ठीक लेकिन थोड़ी मेहनत लगती थी, अब इसमें बहुत ईजीली निकल जाएगा। और इसमें एप्पल का, करेले का या जिसका भी आपको जूस चाहिए उस सबका निकल जाएगा, हैवी मोटर है, 400 वाट की मोटर है, तो सॉरी 200 वाट की मोटर है, तो आराम से निकल जाएगा इसमें। इसमें मुझे निकालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी लेकिन ये इजी टू मतलब जल्दी से निकल जाएगा इसमें, तो आप लोग भी मंगा सकते हैं इसको, मैं इसको पूरे रेट दे सकती हूँ आराम से, मतलब मुझे बहुत आसानी से निकल गया, जिस तरह मैं पहले बहुत मेहनत करती थी इसके लिए, तो अब इसमें बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, फिर मिलते हैं एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।